दोस्तों नमस्कार, पीएसएल की खास न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सीपी यादव जी द्वारा एक वीडियो भेजी गई है जिसमें बताया गया है कि आज से ट्वीट के ऊपर पीएसएल के जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएगी और आपकी समस्याओं को सरकार को अवगत कराया जाएगा ट्विटर के माध्यम से, क्योंकि ट्विटर आजकल लड़ाई का सबसे अच्छा माध्यम बन चुका है और अपने हक को लेने का सबसे अच्छा माध्यम बन चुका है। इसलिए एआईएसओ द्वारा एक मुहिम स्टार्ट की जा रही है जो आज 5 बजे से शुरू हो जाएगी। ट्वीट के ऊपर आपको जाना है और क्या क्या करना है ये आपको सीपी यादव जी इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको ले चल देता हूँ सीपी यादव जी की उस वीडियो को। इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा कि आपको क्या बेनिफिट इसमें मिलने वाला है। नमस्कार, कल 20 जून को फाइनली हमारा ट्विटर कैंपेनिंग का लास्ट दिन है और ये शाम को 5 बजे शुरू होगा। ट्विटर आज सोशल मीडिया की लड़ाई का सबसे बड़ा साधन बन गया है। मैं कहूँगा कि ये सड़क की लड़ाई से भी बड़ी लड़ाई का साधन है। इसलिए कल शाम को ट्विटर कैंपेनिंग पे पीएसएल और चिटफंड की प्रॉब्लम्स को लेकर के जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें आप सब लोग भागीदार बने, ये मैं आप सबसे अपील करता हूँ। पीएसएल की लड़ाई अन्य चिटफंड के जो पीड़ित हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएसएल की लड़ाई कई मायनों में विशेषकर उनकी अग्रणी भूमिका में है। पहली चीज तो यह है कि पीएसएल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक इंटरिम डिसीजन आ चुका है, जबकि दूसरे जो चिटफंड पीड़ित है वो अभी तक लीगल कार्रवाइयों में है। दूसरा यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट स्कीम है, बल्कि ये सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन का मामला भी है, जिसमें लगभग 6 करोड़ पीड़ित लोग हैं और 50,000 करोड़ रुपए का जो है घोटाला है इसमें, जिसको पीड़ित निवेशकों को देना है। 6 करोड़ की जो संख्या वो बहुत बड़ी है, इसीलिए जो दूसरे चिटफंड पीड़ित है उनकी लड़ाई का भी ये एक पहला स्टेप होगा। इसीलिए कल हम पीएसएल के पीड़ितों को लेकर के एक ट्विटर कैंपेनिंग चला रहे हैं जिसका हैशटैग लाइन है, हैशटैग एक ट्रेंड करता है जिसका हैशटैग लाइन है जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स। ध्यान दीजिए, जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स, जिसमें जे कैपिटल है बाकी स्मॉल है और पीएसएल कैपिटल है, ये आपका पीछे लिखा हुआ भी दिख जाएगा। तो जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स इसको लेकर के हम ट्विटर पर ट्रेंड करेंगे शाम को 5 बजे 20 जून को। आपको करना क्या है, आपको अभी से इसी समय से जो आपकी समस्या है पीएसएल और चिटफंड से संबंधित जो समस्या है उसके 60-60 वर्ड में, मतलब मुश्किल से 2-3 लाइन छोटे छोटे वर्ड्स में जो आप प्रॉब्लम्स को रख करके जस्टिस फॉर हैशटैग जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स आप लिखोगे और ऐसा लिख करके आप अपने ट्विटर अकाउंट पर कम से कम 25 ट्वीट्स को सेव कर लेंगे इसी समय जो है। और कल 5 बजे जो सेव किया है वो ड्राफ्ट में जाकर के उन्हें जो है फिर आपको क्या करना है, आपको ट्वीट्स करने हैं, 25 ट्वीट्स करने हैं 5 से 6 बजे के बीच में, मतलब 10 मिनट में हो जाए बहुत अच्छी बात है, और 25 रीट्वीट करने हैं। रीट्वीट कैसे करने हैं, जो ट्वीट किए एक दूसरे ने, जिसे मैंने ट्वीट किया उस ट्वीट को आप जब उसका रीट्वीट का जो बटन होता है उस पर जब आप पुश करोगे तो रीट्वीट विद कमेंट्स आता है और उसमें आपका जो हैशटैग लाइन है जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम्स इसको 5 बार एक जगह कॉपी कर लेना, 5 को एक साथ कॉपी कर लेना, 5 या 5-10 टाइम आप इसे लिखिएगा, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे वो उतना ही उसके ट्वीट्स माने जाते हैं और फिर आप इसे क्या कर दोगे, रीट्वीट्स कर दोगे। एक मोबाइल में कम से कम 5 अकाउंट हो सकते हैं, इसलिए आप खुद आपके बच्चों के एक एक परिवार में 2-3 मोबाइल होते हैं उनमें सब में ट्विटर अकाउंट बनाइए और कल 5 बजे के लिए अभी से इसी समय से तैयारियां शुरू कर दें। क्या लिख सकते हैं, क्या पोस्टर हो सकता है, पुराने आंदोलन की कोई फोटो हो वो फोटो आप लगाइएगा, कोई आपका वीडियो हो पुराना जिसमें कोई पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा हो या कोई आंदोलन की बात जो किया हुआ हो वो वीडियो अपलोड कीजिएगा। तो ये सारी चीज आप करेंगे कल 5 बजे शाम को, ठीक 5 बजे हमारा कैंपेनिंग होगा ट्विटर पर। आप सब लोग अपने दोस्तों को और विशेषकर आपके युवा पीढ़ी में जो आपके बच्चे हैं उनको पार्टिसिपेट करवाइए। 5 बजे हम ट्विटर पर कैंपेनिंग करेंगे, अगर ये ट्रेंड करेगा तो हमारी प्रॉब्लम नेशनल लेवल पे आएगी, जिससे सुप्रीम कोर्ट भी है, सीएपी भी है, सरकार भी है, सबके प्रेशर पड़ेगा और इसके सोल्यूशन की दिशा में हम तेजी से एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो आपसे एक बार पुनः अपील है कि कल 5 बजे 20 जून को ट्विटर पर हमारा हैशटैग चलेगा जस्टिस फॉर पीएसएल विक्टिम। थैंक यू।